जय हिंद साथियों, आपने देखा है मैं गुरुजी, जैसा कि जानते हैं फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर गांधी मैदान पटना हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा में आप लोगों का प्यार आप लोगों का आशीर्वाद रहा है तो चल रहा है। और तीसरा संस्था पाटलिपुत्रा खेल परिसर अभी देख रहे हैं, जो बच्चे वहां से कुछ हम लोग आए दौड़ने के लिए, यहाँ दौड़ते दौड़ते आए, यहाँ के भी कुछ बच्चे हैं जो अभी रनिंग कर रहे हैं। उन्होंने में से एक है जो इन्हीं लोग के कहने पर हमने सोचा है कि इधर पूरा कंकड़ बाग का जो एरिया है, जो बाजार समिति है, जो मीठापुर है, जो पोस्टल पार्क एरिया है, जो जिस बच्चे का दूर पड़ता है, वो जल्द ही संस्था या पाटलिपुत्र खेल परिसर में डाल रहे हैं। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहा तो जरूर ये संस्था आप लोगों के आशीर्वाद प्यार से चलती है और चलता था और चलता रहेगा। और साइंस फैकल्टी ग्राउंड उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में भी मेरा ब्रांच जो बहुत जल्द जो SSC एंसर सीट दिया, अब वहाँ पर जो व्यवस्था है पूरा पूर्ण रूपेण हो चुका है, बस केवल इंतजार है, कुछ दिन और इंतजार करिए। बस जितने भी उत्तर प्रदेश के मेरे भाई जो वहाँ से यहाँ आते हैं, बस उनको वहाँ नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मोटो यह है कि आपकी सुविधा अनुसार आपको वो जगह दिया जाए जहाँ आपके लिए अच्छा हो, ताकि उत्तर प्रदेश के जो लड़के यहाँ आते हैं उनको बहुत सारी कठिनाई सामना करना पड़ता है, तो मैं चाहूँगा कि वो अपने घर में ही रह कर तैयारी करेंगे। दोस्तों मेरे बीच देखे आपने वीडियो में हर मोड़ मोड़ पर दौड़ते हुए जो आए, तो यहाँ वीडियो को देखा है कि अभी बच्चे यहाँ, अभी फिर हम लोग यहाँ से दौड़ के कहाँ पहुँचेंगे, गांधी मैदान दौड़ के चलेंगे। वहाँ पर अभी मेरा बैच चल रहा है और चलता था और ऐसे ही आप लोगों का प्यार रहा तो चलेगा। दोस्तों एक बीच में मेरे बीच एक भाई है छोटा सा, बोलो जल्दी। जय हिंद दोस्तों, हम लोग कंकड़ बाग बाजार समिति और पोस्टल पार्क के भाई लोगों के लिए दौड़ने के लिए पाटलिपुत्र खेल परिसर आते हैं। यहाँ पर कोई भी अच्छे कोचिंग नहीं मिलने के कारण हम लोग और हमारे साथ करीब 20 से 30 भाई लोग ने रिक्वेस्ट किया गुरु जी से कि सर पाटलिपुत्र खेल परिसर में भी आप आए और थोड़ा सा अपना कोचिंग दें, जिससे हम लोगों को बेनिफिट मिल सके। जैसे GD का रिजल्ट आने वाला है, UP पुलिस का रिजल्ट आने वाला है और आर्मी का दौर होता है, तो उसमें यहाँ के बच्चे जिस तरह से जितना सफल गांधी मैदान के बच्चे हो पाते हैं, उतना सफल यहाँ के बच्चे नहीं हो पाते हैं। इसीलिए हम गुरु जी से रिक्वेस्ट किए हैं कि सर यहाँ पाएँ और एक अपना ब्रांच पाटलिपुत्र खेल परिसर में भी खोलें। और मंगलवार को, जैसा कि सर ने बोला है कि मंगलवार को यहाँ पे एक नया मतलब कि ब्रांच यहाँ खुल जाएगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इससे जुड़ें और इसका फ़ायदा उठाएँ। दोस्तों आप लोगों का प्यार रहा, ऐसे ही आप अपने छोटे भाई पे प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा। दोस्तों अब हम लोग यहाँ से दौड़ के निकलेंगे गांधी मैदान, आप अपने भाई के लिए ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। और देखिए सबसे बड़ा चीज़ है, मेरा मोटो ये है कि आपकी सुविधा अनुसार आपको वो संस्था वो जगह मैं चूज करता हूँ और देता हूँ, ताकि आपको नज़दीकी पड़े। यहाँ से जो बच्चे दूर दूर से जाते हैं, मुसल्लपुर हाट से जाते हैं, जो बाजार समिति है कंकड़ बाग एरिया, तो गांधी मैदान थोड़ा दूर पड़ता है। वहाँ मेरे पास पाटलिपुत्र खेल परिसर से जो मैं गांधी मैदान में जो ब्रांच चलता है, वहाँ पर लड़के बहुत दूर दूर से आते हैं, दानापुर, फुलवारी शरीफ, खुशरूपुर, यहाँ तक कि जो हाजीपुर से लड़के आते हैं उनका इधर नज़दीक पड़ेगा, वो यहाँ पर आ सकते हैं, जो हाजीपुर से साइड से दूर दूर से बच्चे आते हैं। तो दोस्तों आप लोग अपने भाई पे ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद साथियों, भारत माता की जय।